Subscribe to Carrier Flight and press the bell icon to never miss our videos. Good morning, students. Welcome to Carrier Flight. स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में. और आज मैं लेकर के आया हूँ पाइप एंड सिस्टम. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो पाइप एंड सिस्टम आप आराम से कर सकते हैं. तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आया हूँ पाइप एंड सिस्टम के. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो लोग नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए. आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है. बेल का बटन भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो पाइप एंड सिस्टम में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस. तो मैं स्टार्ट करूंगा आपको बेसिक क्वेश्चंस के साथ, ठीक है. पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. तो आपका क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइप एंड सिस्टम में आपको टाइम एंड वर्क जैसा कंसेप्ट ही मिलेगा, लेकिन आपको यहां तीन चार चीज वो नहीं मिलने वाली है. क्या मिलेगा आपको? इनलेट मिलेगा, ठीक है. एक आउटलेट मिलेगा, ठीक है. इनलेट का काम फिलिंग करना, और इसको हम लोग पॉजिटिव से लिखेंगे, और आउटलेट का काम है एम्प्टी करना, और उसको हम लोग नेगेटिव से लिखेंगे, ठीक है. अब क्या क्या कंसेप्ट है इसके अंदर जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए. पहला क्या, मान लीजिए एक कोई इनलेट है, किसी टैप को ना, किसी टैंक को, किसी सिस्टम को ना एक साल में फिल करता है. फिलिंग का मतलब पॉजिटिव, ठीक है. और बी भी कोई इनलेट है, वो वाई आर में किसी टैंक को, किसी सिस्टम को फिल करता है. तो आपसे पूछा गया कि ए प्लस बी, अगर मतलब दो टैप को अगर एक साथ खोल दिया गया टाइम साइमल्टेनियसली, तो कितना टाइम लगेगा कि सिस्टम फिल हो जाए. तो जिस तरह टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट था, ए किसी काम को एक्स आर में करता है, बी उसी काम को वाई आर में करता है, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा मैंने आपको बताया यूनिटरी मेथड से, तो प्रोडक्ट बाय सम याद कर लेना आपको. तो ए प्लस बी जो है वो एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई टाइम में सिस्टम को फिल कर देगा. एक तो ये, दूसरा ए मान लीजिए कोई इनलेट है वो एक्स आर में फिल किया, और बी कोई आउटलेट है वो वाई आर में एम्प्टी किया. तो आपको बताना है कि ए प्लस बी उस टैंक को कितने देर में फिल कर देगा, ठीक है. अगर आपका जो सिस्टम है वो फिल हो रहा है, अल्टीमेटली फिल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनलेट की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटलेट. इसलिए आपका जो सिस्टम है, जो टैंक है, वो आपका फिल हो रहा है. ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा कि सिस्टम फिल हो जाए आपका, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा केस बन सकता है, और एक केस ऐसा भी बन सकता है, एक कोई इनलेट है वो एक्स आर में फिल किया, बी कोई आउटलेट है वो वाई आर में खाली किया. तो ए प्लस बी को एक साथ ओपन कर दिया गया, तो सिस्टम कितना देर में खाली हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है. तो यहां पे बात करते हैं, यहां पे फिलिंग की एफिशिएंसी ज्यादा है, यहां पे एम्प्टी की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए तो टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है. तो इस केस में आपको याद रखना है, इस केस में आपको भी यहां पे करना है प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे डिफरेंस करना है इन दोनों का. और डिफरेंस, ये जो फॉर्मूला आया है ये यूनिटरी मेथड से आया है. मैं अभी आपको यूनिटरी मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क में आपको सिखाया यूनिटरी मेथड से कैसे आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो. तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है दोनों का प्रोडक्ट करना है और डिफरेंस करना है. और डिफरेंस किसका करेंगे? एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी या वाई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको देखना होगा कि टैंक जो है ना, सिस्टम जो है वो फिल हो रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है. और अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम क्या होगा भाई? कम होगा, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस वाई होगा, क्योंकि y की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये लेस एफिशिएंट है. और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे खाली हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा? अगेन दोनों का प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है, दोनों का डिफरेंस. अब यहाँ पे एम्प्टी वाले की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी, मतलब वाई की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू एक्स. तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, ये याद रखना है. इसके अलावा भी मान लो क्या कि a प्लस बी का टाइम दिया हुआ x आर में किसी टैंक को फिल कर रहा है, और a जो है ना y आर में उस टैंक को फिल कर रहा है. तो आपसे पूछा गया b अलोन उस टैंक को कितना देर में फिल करेगा. तो उसी तरह जिस तरह मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि a प्लस बी किसी काम को x आर में करते हैं, a उसी काम को y आर में करते हैं, तो b अलोन उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अगेन दोनों का प्रोडक्ट करना है और डिवाइड करना है दोनों का डिफरेंस से. तो यहाँ पे y माइनस x करेंगे, क्योंकि a जो है वो लेस एफिशियंट होगा a और b से, इसलिए यहाँ पे y जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. एफिशिएंट ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा? कम. और एफिशिएंट कम है तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पे x y by y minus x होगा. तो इन सारे फॉर्मूले का यूज आपको करना है अगर आपको दिखा पाइप एंड सिस्टम का छोटा छोटा क्वेश्चन,
मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। और कभी कभी क्या होता है ना, जब बड़े लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के, तो छोटा छोटा इन सब का कंसेप्ट आएगा, तो जहां पे आएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए या सॉल्यूशन कम हो जाए, इसका इजी हो जाए आपका, ठीक है। अदरवाइज आपको मैंने बताया है कि इसके भी क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम के, हम लोग एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द पाइप आर ओपनड साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल अप द टैंक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम इजी हो मॉडरेट हो डिफिकल्ट हो, आपका कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा आपका, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट हो जाएंगे, तो आगे मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो स्टार्ट मैंने किया है बेसिक क्वेश्चन से, तो बेसिक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर वन कि ए दो पाइप है आपका ए और बी, ये ए जो है वो 18 आर में फिल कर रहा है और बी जो है वो आपका 6 आर में फिल कर रहा है, ठीक है, आर्स है ये भी, आर्स है 6 आर्स में फिल कर रहा है। तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा। अभी मैंने केस में बताया था कि टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करेंगे दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट यानी 6 × 18 और डिवाइड करेंगे दोनों का सम से, तो 18 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, दिस इज 6 × 18 × 6 / 24 और 6 × 4 = तो 18/4 मतलब 9/2 आप लिख सकते हैं, मतलब 4.5 घंटा लगेगा, 4 and half hour इतना टाइम लगेगा आपका सिस्टम जो है वो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे, हम लोग यूनिटरी मेथड से ही करेंगे, ठीक है। एलसीएम मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, तो 4.5 घंटा 4 and half hour आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे अगर एलसीएम मेथड से, तो एलसीएम मेथड से मैंने बताया था कि आप क्या करो, जैसे पिछले टाइम एंड वर्क के कांसेप्ट में मैंने आपने क्या किया था, वर्ड एंड एज्यूम किया था, तो यहाँ पे आप टाइम या कैपेसिटी एज्यूम कर लीजिए, वॉल्यूम एज्यूम कर लीजिए, तो 18 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 24, तो आप मान लीजिए 24 यूनिट जो है ना वो सिस्टम में पानी है, ठीक है, या वॉल्यूम है 24 यूनिट का। अब ए 18 आवर्स में टोटल का टोटल 24 यूनिट फिल करता है ना, फिलिंग है ये भी फिलिंग है, और आपसे पूछा गया इसको भी फिल कराना है ए प्लस बी से, तो 18 और 6 का एलसीएम 36 ले सकते हैं, ठीक है, या 18 भी ले सकते हैं, 18 ही ले लीजिए, एलसीएम इसका 18 ही होता है, तो 18 ले लीजिए। अब ये 18 आवर्स में 18 यूनिट फिल किया ना, तो 1 आवर में कितना करेगा भाई, 1 यूनिट करेगा ना, और बी जो है ये कौन है ए, और बी की बात करें तो बी 6 आवर में 18 कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 3 फिल करेगा। अब देख लीजिए दोनों जब एक साथ दोनों को ओपन कर दिया गया, ओपन कर दिया जाए तो 1 घंटा में, यहाँ पे आर्स की बात करें तो 1 घंटा में 3 + 1 + 3 + 1 कितना होगा, 4 यूनिट फिल होगा, 4 यूनिट कब फिल होता है, 1 आवर में, ठीक है, लेकिन मुझे 18 फिल कराना है, तो 18 फिल कराने के लिए 4 यूनिट नहीं कराना, मुझे 18 कराना है, तो 18 कराने के लिए आप क्या करेंगे, तो 18/4, देखिए 4 4 कैंसिल हो गया, 18 आ गया। अब यहाँ 18/4 किया तो आपने 18/4 यहाँ भी कर लीजिए, 18/4 × 1 आवर दैट इज 18/4 आवर, और 18/4 को आप लिख सकते हैं क्या, 9/2, और यहां से भी आ गया 4 and half hour, यही आपका करेक्ट आंसर है, 4 and half hour। तो एलसीएम मेथड से भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 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 क्या करना है आपको, ए का टाइम दिया हो, बी का टाइम दिया हो, ए प्लस बी का टाइम चाहिए, तो प्रोडक्ट बाय सम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देर आर टू टैप्स ए एंड बी, देर आर टू टैप्स ए एंड बी टू फिल अप अ टैंक, द टैंक कैन फिल बी इन 40 मिनट इफ बोथ टैप्स आर ऑन, ऑन द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट इफ टैप ए इज अलोन। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी को अगर एक साथ ओपन कर दिया गया है तो 40 मिनट में टैंक को फिल कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है वही टैंक जो है वो 60 मिनट में फिल होगा अगर मैं टैप ए को खोल दिया अकेला अलोन, तो पूछा गया बी अलोन को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा फिल होने में।
तो अगेन ए प्लस बी किसी काम को 40 मिनट में करता है, ए 60 मिनट में करता है, तो मुझे बी का टाइम चाहिए। और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही केस लिखा दिया हूं कि कंबाइंड टाइम दिया हो और एक इंडिविजुअल टाइम दिया हो, दूसरा इंडिविजुअल टाइम चाहिए तो आपको एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, दोनों का प्रोडक्ट करिए 40 × 60 और दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 60 − 40 कितना हो गया 2400, 2400 डिवाइडेड बाय 20 और इसका आंसर आ जाएगा कितना 120, 120 मिनट लगेगा आपको सिस्टम फिल हो जाएगा अगर बी अलोन वर्क किया तो। समझ गए, इसको भी चाहे तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी कुछ सेकंड के लिए मैं बता देता हूं कि एलसीएम मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 40 और 60 का सबसे पहले आप क्या करिए ना, वॉल्यूम एज्यूम कर लीजिए। वॉल्यूम क्या एज्यूम करेंगे, 40 60 का एलसीएम, और 40 60 का एलसीएम कितना होगा 120। तो आप मान लीजिए सिस्टम में पानी 120 यूनिट है। अब ए प्लस बी 40 मिनट में 120 फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1 मिनट में करेगा आपका 3 यूनिट, 140 बाय 40। अब ए 60 मिनट में 120 फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई, तो 2 यूनिट करेगा, कौन ए, ठीक है, ये भी फिलिंग है, ये भी फिलिंग है, लेकिन बी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कितना टाइम दे रहा है फिल होने में। तो यही तो हम लोग बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे ना। तो देख लीजिए ए 1 यूनिट 1 मिनट में 2 यूनिट और ए प्लस बी 1 मिनट में 3 यूनिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं बी 1 मिनट में 1 यूनिट करेगा तभी तो होगा 2 + 1 = 3। इसका मतलब मुझे बी की एफिशिएंसी आ गई कि 1 मिनट में 120 यूनिट फिल करता है। बी के बारे में पता चल गया 1 मिनट में 1 यूनिट जो है वो फिल करता है। अब मुझे कितना फिल कराना है, 1 यूनिट नहीं कराना है, 120 यूनिट, तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 120 मल्टीप्लाई करना होगा 1 × 120, तो यहां से आपका टाइम कितना आ गया 120 मिनट और यही आपका आंसर है। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट बाय डिफरेंस कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम। लीक का मतलब क्या होता है, आउटलेट, क्योंकि लीक से क्या होता है पानी बाहर जाता है ना, इसका मतलब लीक बिहेव करता है एज एन आउटलेट, ठीक है, तो लीक का मतलब है आउटलेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक क्वेश्चन है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर। मान लो कोई ए टैप है, ये 20 आवर में टैंक को फिल किया, कह रहा है इट इज फिल्ड इन 40 आवर ड्यू टू लीक इन द बॉटम, ठीक है। मान लो बी आउटलेट है, ये लीक है, ये आउटलेट है मतलब पानी खाली हो रहा है बाहर जा रहा है, तो कह रहा है लीक के कारण, अब इसको टाइम क्या, ड्यू टू लीक, अब इसको 40 आवर लग रहा है फिल होने में, लेकिन फिल ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिल ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दोनों वर्क कर रहा है एक साथ साइमल्टेनियसली, पानी का टैप खुला हुआ है और लीक भी ओपन है, पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है, मतलब दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, तो आपको बी का टाइम चाहिए। तो बी का टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बी का टाइम भी अगर कैलकुलेट करना हो तो आपके पास दो मेथड है, एक तो सीधा सीधा यूनिटरी मेथड का जो कंसेप्ट है कि बी का टाइम चाहिए तो आप क्या करिए दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो बी का टाइम क्या करना है 20 × 40 और डिवाइड करना दोनों का डिफरेंस से, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए 40 − 20 दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 40। तो बी को टाइम लगेगा भाई 40 आवर, ये टैंक को क्या कर देगा 40 आवर में खाली कर देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 40 आवर लगेगा अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो, अदरवाइज आप चाहो तो एलसीएम मेथड से करो, एलसीएम मेथड से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड से भी करके मैं दिखा देता हूं, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा भाई 40। तो मान लेते हैं सिस्टम में वाटर जो है ना 40 यूनिट है, अब ए 20 आवर में 40 यूनिट फिल किया तो 1 आवर में कितना करेगा भाई, तो 2 यूनिट फिल करेगा, कौन ए करेगा, फिल कर रहा है। बी के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बी की एफिशिएंसी क्या है नहीं पता, लेकिन ये टैंक से पानी जो है ना वो खाली कर रहा है बिकॉज ये आउटलेट है। अब दोनों एक साथ जब वर्क कर रहा है ए प्लस बी, तो टैंक फिल हो रहा है ना अल्टीमेटली, और 40 आवर में 40 यूनिट फिल हो रहा है, इसका मतलब 1 आवर में 1 यूनिट फिल हो रहा है, ठीक है, 1 आवर में 1 यूनिट फिल हो रहा है, दिस इज 1 यूनिट, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये नहीं होता, इनलेट ही होता आपका, तो 1 घंटा में 2 यूनिट फिल कर रहा है, लेकिन इसके आने से 1 घंटा में ये 1 यूनिट फिल कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में कोई एक यूनिट खाली कर रहा है, और खाली कौन कर रहा है आपका आउटलेट कर रहा है, तो आउटलेट के बारे में पता चल गया ना इसकी एफिशिएंसी क्या है,
कि 1 मिनट में वो 1 यूनिट पानी जो है वो बाहर निकाल रहा है। देख लीजिए, नेगेटिव से हम लोग इसलिए लिखते हैं कि 2 माइनस 1, ये घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली रिजल्ट 2 आ जाएगा ना। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 1, है ना। इसका मतलब मुझे बी की एफिशिएंसी आ गई, ये 1 मिनट में 1 यूनिट पानी बाहर निकालता है। तो बी के बारे में पता चल गया आपको क्या, कि 1 मिनट में 1 यूनिट पानी जो है वो बाहर निकाल रहा है। लेकिन 1 यूनिट मुझे फिल नहीं, एम्प्टी नहीं कराना है, बी से भी पूरा का पूरा टैंक खाली कराना है, और टैंक में पानी कितना है 40 यूनिट। तो 1 यूनिट को 40 बना दीजिए, तो 40 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ भी, 40 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ भी, तो कितना टाइम लग गया अभी, तो 40 मिनट लग गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम से करो, लेकिन अभी जो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है आपका, तो सबसे इजी रहेगा आप एलसीएम से मत करिए, आप यूनिटरी मेथड का जो मैंने फॉर्मूला बताया था टाइम एंड वर्क में। तो जो लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर देख लीजिए। उसमें मैं एक लेक्चर जो है, एक सेशन हम लोगों का वो बेसिक पर बेस्ड है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, और आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 3 टैप्स आर फिटेड इन ए सिस्टम, द एम्प्टी सिस्टम इज फिल्ड अप फिल्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड टैप्स इन 3 आर एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे 3 टैप है, अभी तक 2 टैप देखा आपने, अभी यहाँ पे 3 टैप है। ये 3 आर में फिल किया है, क्वेश्चन में कह रहा है, और बी मान लेते ये भी आउटलेट है, ये 4 आर में फिल कर रहा है, ठीक है। और कह रहा था फुल सिस्टम भी एम्प्टीड बाय थर्ड पाइप इन 5 आर, और तीसरा कोई आउटलेट है जो कि 5 आर में टैंक को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा खाली कर रहा है। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द एम्प्टी सिस्टम विल बी फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम। तो ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, सी का टाइम पता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड यूज करना होगा, और एलसीएम मेथड से प्रॉब्लम काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं इन तीनों का, आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया गया तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लेस एफिशियंट है सी, ये दोनों मिलके फिल कर रहा है, और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है अगर सी से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 5 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, है ना। 60 यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम। ए 3 आर में 60 किया तो 1 आर में 20 यूनिट फिल करेगा, कौन करेगा, ए, ये मान लो बी है, ये सी है, और ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए 20 यूनिट फिल किया है, बी 4 आर में 60 तो 1 आर में 15 यूनिट ये भी फिल करेगा, सी 5 आर में 60 खाली कर रहा है तो 1 आर में कितना करेगा खाली, 12 यूनिट खाली करेगा। अब मुझे चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी टैंक को कितना देर में फिल कर देगा। तो मान लेते ये नहीं होता ना, मान लेते ये नहीं होता तो 1 मिनट, 1 आर में 35 यूनिट फिल होता, देखिए 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 आ जाएगा इसके नहीं होने से। लेकिन ये जैसे ही आ जाएगा ना, तो 1 मिनट में जो है वो 12 यूनिट या 12 यूनिट है ना पानी खाली करेगा। तो भाई 1 मिनट में अगर 12 यूनिट खाली कर रहा है तो फिल कितना हुआ 1 मिनट में, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3, एंड 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23, मतलब 1 मिनट में जो है ना वो आपका 23 यूनिट फिल हो रहा है, ठीक है। कहां से हो रहा है वो देख लीजिए, 20 प्लस 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3 प्लस 20 दैट इज कितना हो गया 23, तो यहां से आया आपका 23, तो 1 मिनट में 23 यूनिट खाली करा है, ठीक है। अब मुझे पूरा का पूरा फिल कराना है, सॉरी 1 मिनट में 23 यूनिट फिल हो रहा है, फिल हो रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे पूरा का पूरा टैंक फिल कराना जो कि 60 यूनिट का है। तो यहाँ पे 23 को 60 बना सकते हैं, बना सकते हैं, 60 बाय 23 कर लीजिए, यहां भी करना पड़ेगा 60 बाय 23। ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दिस इज टाइम, दिस इज वर्क, एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज आपके पास यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड कैसे करेंगे, तो भाई 23 यूनिट वो 1 यूनिट 1 मिनट में फिल किया, तो 1 यूनिट 1 बाय 23 मिनट में फिल करेगा, और 60 यूनिट कितना टाइम लगेगा, 1 बाय 23 इंटू 60, तो क्या आ गया 60 बाय 23 ना। बट ये स्टेप क्यों लेंगे आप जब आपका एक लाइन में आंसर आ जा रहा है यहाँ पे, तो ठीक है बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 60 23 आप करेंगे तो 23 को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो 60 बाय 23 का मतलब हुआ, ऑप्शन में देख लीजिए 23 कहाँ आ रहा है, दो दो ऑप्शन में 23 है,
114/23 आर, 214/23 आर, 2 आर 40 मिनट, 1 आर 56 मिनट। तो आप डिवाइड कर लीजिए तो 46/23 का डबल होता है 46, 46/50 60 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 होल 14/23 आर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया? तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड का यूज किए और एलसीएम मेथड का यूज करके आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम बेसिक चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी अब से जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ए टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर। किसी टैंक में ना लीक है, और लीक जो है ना वो बिहेव करता है एज एन आउटलेट, मैंने बताया अभी, तो पानी खाली कर रहा है 8 आवर में। क्वेश्चन में कह रहा है 8 आवर में टैंक को खाली कर रहा है। ए टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 3 लीटर अ मिनट। ए टैप इज टर्न ऑन का मतलब ये हुआ कि कोई इनलेट है उसको ऑन कर दिया गया है और वो 3 लीटर पर मिनट की रेट से पानी फिल कर रहा है, वाटर फिल कर रहा है। तो ये उसकी ऑलरेडी एफिशिएंसी दी हुई है कि 1 मिनट में 3 लीटर फिल किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब ए प्लस बी जब एक साथ ऑन है या एक साथ दोनों रन कर रहा है, तो ये अब 12 घंटा में एम्प्टी हो रहा है, 12 आवर में एम्प्टी हो रहा है। बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में बना है ये, 12 आवर में एम्प्टी हो रहा है, 12 आवर में एम्प्टी हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी लीटर डज द टैंक होल्ड, तो आपको बताना है कैपेसिटी बताइए, वॉल्यूम बताइए, किसका, पूरा सिस्टम का। तो कैसे बताएंगे वॉल्यूम, ऑप्शन भी गिवन है 424, 4000, 4250, 4120, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे। ए 8 आवर में एम्प्टी करता था, जैसे ही एक टैब को ऑन किया गया है तो अब ये 12 घंटे में 12 आवर में एम्प्टी कर रहा है, 4 घंटा बढ़ गया ना इसका टाइम, 4 घंटा 4 आवर इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पे टैब भी ऑन हो गया है, वो पानी एंटर कर रहा है, उससे पानी आ रहा है, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना भाई, एफिशिएंसी घट गई, एफिशिएंसी जो है वो एम्प्टी करने की क्या हो गई, घट गई ना। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आपको चाहिए कैपेसिटी बताइए। तो 8 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, आप ना वॉल्यूम एज्यूम कर लीजिए, कैपेसिटी एज्यूम कर लीजिए। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 यूनिट, तो मान लेते हैं 24 यूनिट ना वॉल्यूम है। अब ए इनलेट आउटलेट है, 8 आवर में 24 खाली किया, तो 1 आवर में कितना खाली करेगा, 3 यूनिट, कौन, ए खाली कर रहा है। बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बी की एफिशिएंसी लिखूंगा नहीं, ठीक है, और ये फिल करता है इतना पता है आपको। और ए प्लस बी जो है अब 12 आवर में ना, 12 आवर में 24 यूनिट एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 1 आवर में कितना खाली करेगा भाई, तो 2 यूनिट खाली करेगा। ओके, अब देख लीजिए यहां से, अगर बी नहीं होता आपका, इनलेट नहीं होता ना, बी अगर होता ही नहीं तो 1 आवर में 3 यूनिट खाली करता, लेकिन अब इसके आने से 1 आवर में 2 यूनिट खाली कर रहा है, इसका मतलब 1 आवर में कहीं ना कहीं कोई 1 यूनिट दे रहा है, और 1 यूनिट कौन देगा, इनलेट ही देगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये 1 मिनट 1 आवर में ना 1 यूनिट दे रहा है, पानी एंटर हो रहा है, आ रहा है पानी। ठीक है, 1 आवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, 1 आवर की बात कर रहे हैं, 1 घंटे की बात कर रहे हैं, और आपको पता है बी की एफिशिएंसी 1 मिनट में 3 लीटर फिल करता है। तो अगर 1 मिनट में 3 लीटर मतलब 1 मिनट में 3 लीटर फिल कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या कि 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, एफिशिएंसी चाहिए मुझे आवर में। तो 1 मिनट में 3, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 180 लीटर। ठीक है, और 60 मिनट इज नथिंग बट व्हाट, 1 आवर, दिस इज योर 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 1 आवर ना, इसका मतलब 1 आवर में ये 180 लीटर फिल कर रहा है। ठीक है, पानी आ रहा है, और आपको पता है 1 आवर में ये जो बी है ना वो 1 यूनिट फिल करता है, 1 आवर में ये 1 यूनिट फिल किया, आपको पता है 1 आवर में ये 180 लीटर फिल करता है, तो ये जो 1 यूनिट है ना इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। इसका मतलब मुझे पता चल गया ये जो 1 है ना इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर है। और आपको आपको बताना है क्या, वॉल्यूम बताइए, कैपेसिटी बताइए,
और कैपेसिटी आपने पहले ही एज्यूम कर लिया 24 यूनिट है, और अगर 1 की वैल्यू 180 है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी? तो बस 180 इंटू 24 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 72, 43, तो 4320 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4320 लीटर इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी, बैंक, रेलवे या एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो 4320 करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, देर आर थ्री पाइप्स कनेक्टेड विद अ टैंक, द फर्स्ट पाइप कैन फिल 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर, सेकेंड पाइप कैन फिल 1/3 ऑफ द टैंक इन 1 आवर, एंड थर्ड पाइप इज कनेक्टेड टू एम्प्टी द टैंक। आफ्टर ओपनिंग ऑल द थ्री पाइप 7/12 ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर, देन हाउ लॉन्ग विल थर्ड पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही करता है, क्वेश्चन में क्या है ना एग्जैक्ट टाइमिंग गिवन नहीं रहेगा, आपका फ्रैक्शन में दे दिया है। जैसे यहाँ पे कि ए के बारे में क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टैंक यानी 1/2 ऑफ द टैंक ये 1 घंटा में फिल करता है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए क्या? टाइम जो आप कैलकुलेट करते हो वो क्या होता है, पूरा का पूरा टैंक की बात करता है ना, कि पूरा का पूरा टैंक कितना देर में फिल कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा टैंक का आधा वो 1 घंटा में फिल करता है, तो पूरा कितने देर में फिल करेगा? 2 घंटा में, सिंपल। तो आपको फ्रैक्शन दिख गया तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये 1/2 करता है 1 आवर में, लेकिन आपको याद रखना है पूरा का पूरा टैंक फिल कराना है तो पूरा का पूरा 1 यूनिट फिल कराना है, तो 1/2 को 1 बना लो तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 यूनिट वो कितने देर में फिल किया, तो 2 आवर में फिल किया, तो मुझे एक का टाइम पता चल गया ना कितना, 2 आवर। कभी कभी ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ रहता है, कभी कभी परसेंट में दिया रहेगा। इसी को अगर परसेंट में पूछता ना तो ऐसा पूछता कि 50% ए जो है ना टैंक का वो 1 आवर में फिल करता है, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा टैंक फिल कराना होता तो आपको 50% को 100% बनाना होता, क्योंकि 100% की फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 50% को 100 बनाने के लिए बहुत सिंपल, 2 करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 2 करना होगा। 25% दिया हुआ होता कि 1 आवर में फिल करता है, तो अभी आपको 100% बनाना होता है ना पूरा का पूरा टैंक फिल कराने के लिए, तो उस कंडीशन में 4 मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 4, समझ रहे हैं। तो या तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा या तो आपका परसेंट में दिया रहेगा, तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो पूरा का पूरा 1 यूनिट आपको कैलकुलेट करना है, परसेंट में दिया रहेगा तो आपको 100% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए का तो आ गया। चलिए अब क्वेश्चन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है बी, और बी कह रहा है कितना टाइम ले रहा है, 1/3 टैंक जो है ना वो 1 आवर में फिल कर रहा है। भाई 1/3 1 आवर में फिल कर रहा है ना, तो पूरा का पूरा कितना होगा, पूरा का पूरा अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट होगा, तो 3 यहां भी करना होगा, तो कितना टाइम लगा, 3 आवर। अब ये बी का टाइम आ गया ना, ये 3 आवर में टैंक को फिल किया, ये भी फिल, ये भी फिल। सी के बारे में कह रहा है ये आउटलेट है, पता नहीं है अभी इसकी एफिशिएंसी क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन में जरूर कह रहा है कि तीनों को एक साथ ओपन कर दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी को, तो वो 7/12 पार्ट जो है ना वो 1 आवर में फिल कर रहा है। तीनों को ओपन करने के साथ ये 7/12 1 आवर में फिल कर रहा है, लेकिन तीनों से भी मुझे पूरा का पूरा टैंक फिल कराना है, और पूरा का पूरा टैंक फ्रैक्शन में पूरा कंप्लीट क्या होता है, 1। तो 7/12 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो 12/7 करेंगे तभी ये 1 बनेगा, है ना, 12 12 7 7 कैंसिल, तो यहां भी क्या करना होगा, यहां ये मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 12/7 आर में तीनों मिलके टैंक को फिल कर देगा 12/7 आर में, आ गया। लेकिन यहां पे जब एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां आपको फ्रैक्शन दिख जाएगा, बट फ्रैक्शन भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्शन आया तो मतलब आपको सिर्फ न्यूमरेटर से रखना है, बाकी किसी से नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको बताना है सी अलोन टैंक को कितना टाइम लेगा खाली कर देगा। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं तीनों का, और जब फ्रैक्शन का लेंगे तो फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर का लीजिए, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 यूनिट मान लेते हैं आपका वॉल्यूम कैपेसिटी, कुछ भी बोलिए, 12 यूनिट, 12 लीटर, कुछ भी। तो ए 2 आवर में 12, तो 1 आवर में 6 फिल किया ए, बी 3 आवर में 12, तो 1 आवर में 4 ए भी फिल कर रहा है, सी के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सी की एफिशिएंसी क्या है, लेकिन ये एम्प्टी कर रहा है इतना पता है। और अब ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो 12/7 आर में 12 यूनिट फिल कर रहा है,
तो 1 आवर में कितना करेगा? तो 1 आवर में करेगा 7 यूनिट किल करेगा, ठीक है, 7 यूनिट किल करेगा। 12 बाय 7 आवर में, यहाँ पे आवर लिखना छोड़ दिया मैंने, 12 बाय 7 आवर, देखिए 12 बाय 7 आवर में ये 12 यूनिट फिल किया। तो बाहर से पूछा गया 1 आवर में, तो भाई 1 करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, 7 बाय 12 ना, तो यहाँ भी करना होगा ना 7 बाय 12, तो देखिए 12 12 कैंसिल हो गया, तो बचा गया आपका 7, तो 7 आवर फिल किया, आ गया। अगर ये नहीं होता ना, ये अगर नहीं होता आउटलेट, तो 1 आवर में कितना फिल होता, 6 प्लस 4 10, लेकिन 1 आवर में ये 3 यूनिट ही फिल हो रहा है, इसका मतलब 1 आवर में 3 यूनिट खाली भी हुआ है, और खाली कौन क्या है, ये सी क्या है, तो देख लीजिए 6 4 10 10 - 3 कितना हो गया 7, तो सी की एफिशिएंसी आ गई ना, 1 घंटा में 1 आवर में 3 यूनिट खाली किया, 1 आवर में 3 यूनिट खाली कर रहा है, बट मुझे कितना खाली कराना है, 12 यूनिट ना, तो यहाँ पे 4 करना होगा 12 के लिए, यहाँ भी 4 करना होगा, मतलब इसको 4 घंटा लगेगा, पूरा का पूरा टैंक जो है वो खाली कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, देर आर टू इनलेट ए एंड बी कनेक्टेड टू अ टैंक, ए एंड बी कैन फिल इट इन 16 आवर एंड 10 आवर इफ द पाइप, बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली। अब ये देखिए अल्टरनेट वाला कंसेप्ट जो है ये थोड़ा अलग होता है, इसका सॉल्यूशन इस तरह नहीं करना है आपको, आपको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। हाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए का टाइम दिया हुआ है कितना है, 16 आवर में फिल किया, बी का टाइम दिया हुआ है 10 आवर, ये 10 आवर में फिल कर रहा है, ये आर है, आर मैं नहीं लिख रहा हूं, 10 आवर में फिल कर रहा है, और दोनों ना 1 1 आवर ऑल्टरनेटली वर्क कर रहा है, मतलब 1 घंटा पहले ए ऑन हुआ बंद हो गया, फिर 1 घंटा 1 आवर फिर बी ऑन हुआ ये बंद हुआ, 1 1 1 आवर के गैप में जो है ए और बी रन कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा टैंक पूरा का पूरा फिल हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा 80 यूनिट, है ना, 16 और 10 का एलसीएम क्या होगा 80 यूनिट, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, 16 आवर में 80 यूनिट, तो 1 आवर में 5 यूनिट, और 10 आवर में 18 यूनिट, तो 1 आवर में 8 यूनिट, ठीक है, ये फिल है, ये भी फिल है, ये ए है ये बी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे ही फर्स्ट आर की बात करें, तो पहले फर्स्ट आर में ना ए को ओपन कर दिया गया, ए को ऑन कर दिया गया, तो वो आएगा और 5 यूनिट फिल करके फिर वो बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट का जो 1 आवर होगा वो फिर 8 यूनिट फिल करेगा ये बी, और ये भी बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिर ए आएगा फिर 5 यूनिट करेगा बंद, फिर बी आएगा फिर 8 यूनिट करेगा फिर बंद, ठीक है। तो जैसे ही आप देख लीजिए 2 आवर हुआ, तो 2 आवर में 13 यूनिट फिल हुआ, 2 आवर में ना 13 यूनिट फिल हुआ, तो नेक्स्ट के 2 आवर में भी 13 होगा, फिर उसके नेक्स्ट के 2 आवर में भी 13 होगा, मतलब हर 2 2 आवर में ना 13 यूनिट फिल हो रहा है, लेकिन मुझे फिल कराना है 80। तब हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 30 का मल्टीपल चलेगा आगे, और ये 2 का मल्टीपल चलेगा आगे, तो 13 की का मल्टीपल अगर हम लोग देखें तो 13 6 78 होता है, और 13 7 91 होता है, अगर मैं इसको 7 टाइम्स कर दूं तो ये 91 हो जाएगा और 80 से एक्सीड हो जाएगा, लेकिन मुझे फिर सिर्फ 80 यूनिट कराना है, तो आपको सिर्फ 6 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब क्या हुआ, 6 जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया 78, यहां 6 तो यहां भी 6, मतलब इधर कितना हो गया टाइम 12 आवर, ठीक है, कितना हो गया टाइम 12 आवर, इसका मतलब जैसे ही 12 घंटा हुआ ना 78 यूनिट फिल हो गया, अब मुझे बस 2 यूनिट फिल कराना है, यहाँ कितना बच रहा है 80 यूनिट था, 78 हो चुका है, अभी भी 2 यूनिट फिल कराना है मुझे, और ए बी मतलब बी पर जाके खत्म हो गया, तो अब कौन आएगा, ए आएगा, और ए ऑन होगा, और ए के बारे में आपको पता है ये 5 यूनिट करता है 1 आवर में, ठीक है। तो चलिए ये 78 हो गया, अभी मुझे बस 2 यूनिट चाहिए, और आएगा अब ऑन कौन होगा, बी होगा, और बी के बारे में पता है ये 5 5 यूनिट करता है 1 आवर में, लिख ही देता हूं यहां पे आर था, ठीक है, बी 5 यूनिट करता है 1 आवर में, लेकिन मुझे सिर्फ 2 यूनिट कराना है ना, सिर्फ 2, 78 + 2 करेंगे तभी तो होगा 80, 2 यूनिट कराना, तो 5 को 2 बना दो, 2 बनाने के लिए 2/5 करना पड़ेगा, तो यहां पे भी तो करना पड़ेगा 2/5, ठीक है, 2/5, इसका मतलब जैसे ही 2 यूनिट हुआ फिल, तो टाइम कितना लगा 2/5 आवर, तो जैसे ही 2 यूनिट फिल हुआ तो टाइम कितना लगा 2/5 आवर, इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 80 यूनिट फिल हुआ, तो इधर
आर और प्लस में इधर होगी आपका 70 यूनिट, 78 यूनिट यहां लिख देता हूं मैं। इधर कितना आ गया था आपका 2/5। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि 5 यूनिट जो है ना वो 1 आवर में फिल करता है, मुझे सिर्फ 2 यूनिट कराना है तो 2/5 करना होगा, तो यहां भी 2/5 करना होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 आवर तो लगा ही और साथ में 2/5 आवर, तो आपका आंसर कितना होगा 12 2/5 आवर, दिस इज द टोटल टाइम 12 2/5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 2/5। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेशन मैं अलग से लेकर कराऊंगा, सिर्फ वहां पे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो जाए, और बेसिक फंडा एक बार क्लियर हो गया तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 मॉडरेट से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कंसेप्ट है वो इसी कंसेप्ट से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देयर आर ए सिस्टम हैज 3 पाइप्स ए बी सी, पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 आर एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली, तीन पाइप है या तीन टैप है समझ लीजिए, ये 3 आर में फिल किया, ये 3 आर में फिल किया, और बी है ये 4 आर में फिल कर रहा है, और सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है एक घंटा में 1 आर में, और तीनों टैप जो है तीनों पाइप जो है वो ओपेंड हुआ है इन ऑर्डर एट 3 PM 4 PM एंड 5 PM, मतलब ए 3 PM में ओपन हुआ है, बी 4 PM में ओपन हुआ है, और सी 5 PM में ओपन हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, मतलब एम्प्टी कितने टाइम के बाद हो जाएगा, तो डेफिनेटली 5 बजे के बाद ही होने वाला है कहीं पे। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम तो क्या, सिस्टम एम्प्टी हो रहा है तो कहीं ना कहीं सी की एफिशिएंसी इन दोनों से ज्यादा है, तभी तो सिस्टम एम्प्टी हो रहा है, अदरवाइज कभी एम्प्टी नहीं होता। सी की एफिशिएंसी ज्यादा है इन दोनों से, इसलिए सिस्टम जो है वो एम्प्टी हो रहा है, और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला क्या आपको एलसीएम लेना होगा, देन व्हाट इज द एलसीएम 3, 4 एंड 1, दिस इज 12, तो 12 यूनिट मान लीजिए कैपेसिटी है, तो ए 3 आर में 12 कर रहा है तो 1 आर में 4, बी 4 आर में 12 कर रहा है 1 आर में 3, और ये 1 आर में 12 कर रहा है भाई, ये तो पता ही है आपको, ये प्लस और ये माइनस, ये ए है ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट फिल करने की 1 आर में, बी 3 यूनिट फिल करने की 1 आर में, सी 12 यूनिट फिल खाली करता है एम्प्टी करता है 1 आर में, तो आप खुद देख लीजिए ये दोनों, अगर 1 आर की बात करें तो 7 यूनिट फिल करता है, लेकिन ये अकेला अलोन 12 यूनिट एम्प्टी कर दे रहा है, अगर मैं तीनों को एक साथ ओपन कर देता ना तो 1 आर में ना तो 1 आर में कितना फिल होता, फिल होता ही नहीं, क्योंकि यहां पे इसकी एफिशिएंसी इन दोनों से ज्यादा है, तो 5 यूनिट एम्प्टी होता है यहां पे, 1 आवर में 5 यूनिट एम्प्टी होता है, देख लीजिए 4 + 3 = 7, 7 - 12 कितना हो जाता 5 माइनस में, और माइनस का मतलब क्या होगा कि खाली खाली हो रहा है 5 यूनिट क्या हो रहा है एम्प्टी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां 5 बजे के बाद यहां पे जाके एम्प्टी हो रहा है, तो वही तो टाइम बताना है कि यहां से यहां। ठीक है, ये 3 है ये 4 है और ये 5 है, दिस इज 4 दिस इज 3 दिस इज 5, तो टैंक कहीं पे जहां पे जाके मान लो एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ए ओपन हुआ है, यहां पे बी ओपन हुआ है और यहां पे सी ओपन हुआ है, मतलब यहां पे भी ए है, ए ओपन हुआ है मतलब ओपन ही रह गया, बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, तो यहां पे भी तीनों होगा ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको सीरियल ऑर्डर में लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ए ओपन हो गया तो ए ओपन ही है, तो ए की बात करें कि ए की बात करें 3 PM स्टार्ट हुआ तो 5 PM में 2 आवर्स होते हैं, 3 to 4 and 4 to 5, तो 2 आवर में कितना यूनिट फिल हो गया होगा, आपको पता है ए जो है 4 यूनिट फिल करता है 1 आवर में, तो ये 1 आवर यहां का गैप, 1 आवर यहां का गैप, तो ए जो है यहां पे 4 यूनिट फिल करेगा और यहां भी 4 यूनिट फिल करेगा,
तो जैसे ही 5 PM हुआ आपका, तो 5 PM में 4+4 8 यूनिट फिल कर दिया ए, ठीक है, ए जो है वो 5 PM में 8 यूनिट फिल कर दिया। और अगर बी ओपन हुआ 4 बजे 4 PM में, और बी जो है वो 1 आवर में 3 यूनिट फिल करता है, तो 4 to 5 1 आवर हुआ ना, और 1 आवर में 4 कितना यूनिट फिल कर रहा है, 3 यूनिट, तो यहाँ पे ये 3 यूनिट फिल कर दिया। तो जैसे ही 5 बजा ना, तो आपका 11 यूनिट फिल हो चुका है, ठीक है, 11 यूनिट जो है वो फिल हो चुका है, जैसे ही 5 बजा 11 यूनिट फिल हो गया। अब उसके बाद सी बी ओपन हुआ है यहाँ पे, और सी ए बी यानी ए बी सी तीनों वर्क कर रहा है यहाँ पे सी पे, 5 PM से स्टार्ट हुआ है आपका। तो अब जैसे ही आपको पता है कि तीनों एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो 1 आवर में 5 यूनिट क्या कर दिया, खाली। 1 आवर में ये 5 यूनिट खाली कर दिया, इसका मतलब कि पानी फिल होगा ही नहीं, पानी खाली हो रहा है, यहां के बाद पानी खाली ही होगा। और पानी कितना खाली होगा, जितना फिल होगा उतना ही तो खाली होगा, क्योंकि पानी तो फिल हो ही नहीं रहा है उसके बाद, तीनों के आने के बाद। एक एक घंटा क्या, 1 आवर क्या, 1 मिनट में भी पानी खाली होगा, तो जितना पानी है उतना ही पानी तो खाली होगा। तो आपको पता है कि ये 5 यूनिट जो है वो 1 आवर में खाली कर रहा है, तो खाली मुझे कितना करा है, 11 यूनिट। तो आपको पता है 5 यूनिट जो है ना वो 1 आवर में खाली हो रहा है, तो 11 कराने के लिए क्या करोगे, 11/5 ना, तो यहाँ भी 11/5 करना होगा। और 11/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 and 1/5, 2 and 1/5 आवर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखे तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 आवर + 1/5 आवर, और इस 1/5 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 12 मिनट आ जाएगा, यानी 2 आवर एंड 12 मिनट, यानी 5 बजे के बाद आफ्टर 5 PM 2 आवर एंड 12 मिनट लगेगा आपको टाइम। आफ्टर 5 PM 2 आवर + 12 मिनट, तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम हुआ होगा जब सिस्टम पूरा का पूरा एम्प्टी हुआ होगा, तो 5 + 2 आवर 12 मिनट, दैट इज 7:12 में टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 7:12 PM में आपका जाके टैंक जो है वो खाली हो जाएगा, या आपको यहाँ पे टाइम लिख दीजिए 7:12 PM। तो ये जो कंसेप्ट है, ये उसी कंसेप्ट पे जो हम लोग कंसेप्ट पे सॉल्व कर रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे हम लोगों ने सॉल्व किया ना, और उसी कंसेप्ट पे आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है मैं वही बेसिक कंसेप्ट से आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 7 पाइप्स अटैच्ड है एक टैंक से, जिसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, कितना इनलेट है कितना आउटलेट है ये आपको पता करना है, ठीक है। एवरी इनलेट कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, एवरी इनलेट कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, ठीक है, फिल कर रहा है इनलेट, और एवरी आउटलेट कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर, 15 आवर में एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो आपको आपसे फिर आगे ये पूछा गया, व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड अप इन 2 8/11 आवर, दोनों इनलेट और आउटलेट को एक साथ ओपन कर दिया गया है, तो 2 8/11 आवर में ना वो टैंक पूरा का पूरा फिल हो गया है, मतलब यहाँ पे फिलिंग की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी करने से फिलिंग करने की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया कितना इनलेट है कितना आउटलेट है, ठीक है, ये जो टाइम है इस टाइम में इनलेट और आउटलेट मिलकर पूरा का पूरा सिस्टम को ना वो फिल कर देते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल बोल रहा है 7 है, 7 पाइप्स है या 7 टैप्स है, जिसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, तो ये मान लो इनलेट 10 आवर है में फिल किया एक, और एक आउटलेट 15 आवर में फिल किया, तो आप क्या करिए ना, एज्यूम कर लीजिए पूरा का पूरा कैपेसिटी या वॉल्यूम, तो क्या होगा 10 और 15 का 30 ले लीजिए, 60 लीजिए, कुछ भी लेना आप ले लीजिए, 30 ले लिया मैंने, पूरा का पूरा है वॉल्यूम जो है वो 30 यूनिट का है। एक इनलेट की बात करें तो 10 आवर में 30 यूनिट फिल किया, तो 1 आवर में कितना करेगा, 3 यूनिट फिल करेगा, तो ऑन इनलेट। और आउटलेट की बात करते तो 15 आवर में 30 खाली किया, तो 1 आवर में कितना खाली करेगा, 2, ये खाली कर रहा है ये फिल कर रहा है। यहाँ पे एक इनलेट की बात कर रहे हैं और एक आउटलेट की बात कर रहे हैं, एक इनलेट की एफिशिएंसी 3 और एक आउटलेट की एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है इनलेट की ज्यादा है, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, इसको टाइम कम लग रहा है और यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग को इनलेट और आउटलेट चाहिए, तो आप क्या करिए ना, ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 30 लिया आपने, तो ये कितना हुआ था 3 और ये कितना हो गया था 2, ये फिलिंग था ये एम्प्टी था, ये
ऐसा, ठीक है, 3 n 2। तब हम लोग अभी यहां एज्यूम करने वाले हैं कि मान लो इनलेट एक्स है तो आउटलेट कितना होगा, 7 - x, क्योंकि दोनों मिलके तो 7 है ना, इनलेट एक्स है तो आउटलेट कितना है, 7 - x, ठीक है। मतलब ये 3 यूनिट 1 मिनट में फिल करेगा, ये 2 यूनिट 1 मिनट में खाली कर देगा। 1 आवर की बात कर रहे हैं या मिनट नहीं होगा, 1 आवर में ये 3 यूनिट फिल करेगा और 1 आवर में ये 2 यूनिट खाली करेगा। तो मान लेते हैं एक्स इनलेट है, एक इनलेट 3 यूनिट करता है 1 आवर में, तो एक्स इनलेट कितना करेगा भाई, 3x फिल किया ये, और एक आउटलेट एक 1 आवर में 2 यूनिट खाली किया, तो 7 - x आउटलेट कितना यूनिट खाली करेगा, इंटू 2, ठीक है। ये नहीं होता तो इतना फिल होता 1 आवर में, इसके आने से क्या होगा, पानी खाली भी तो हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना फिल हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा अल्टीमेटली 1 आवर में, तो 1 आवर में कितना होगा कर लीजिए, 3x - दिस इज 14 एंड दिस इज 2x, तो ये हो गया 5x - 14। 1 आवर में कितना फिल हुआ, तो 5x - 14 यूनिट फिल हुआ, ठीक है। ये सब 1 आवर की बात कर रहे हैं, अभी आ जाइए क्वेश्चन में, कह रहा है कि इनलेट और आउटलेट मिलकर 2 8 by 11 में पूरा का पूरा टैंक फिल कर देते हैं। जब 1 आवर में 5x - 14 फिल हो रहा है, 1 आवर में इतना फिल हुआ है, तो 2 8 by 11 को अगर सॉल्व करेंगे तो 30 by 11 होगा, 11 2 28 + 8 22 + 8 कितना होगा, 30, तो 30 by 11 में पूरा का पूरा टैंक, और पूरा का पूरा टैंक कितना यूनिट है भाई, तो 30 यूनिट का है, तो ये बराबर होगा किसके, 30 के, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 30 से 30 कट गया, तो 5x - 14 की वैल्यू क्या होगी, ये 11 उधर चला जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 5 n 2 25, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 5 5 25, तो x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब इनलेट अगर 5 है तो आउटलेट कितना होगा, 2, दैट इज 5 n 2। इनलेट अगर 5 है तो आउटलेट कितना होगा, 2, दैट इज 5 + 2 मिलके ही तो 7 बनेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टाइम ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो सेशन चल रहा है अभी इजी टू मॉडरेट लेवल का सेशन चल रहा है, मैं आपको हर एक टॉपिक का डिफिकल्ट सेशन लेकर के भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपना बेसिक फंडा क्लियर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप एक देख लीजिए और ये आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, 40th मिनट, 61st मिनट, 37th मिनट एंड 51st मिनट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहां तक ही करेंगे, बेसिक था आज हमारा पूरा का पूरा सेशन, बेसिक पर डिपेंड था। हम लोग का नेक्स्ट सेशन जो होगा, ये जब भी मैं पाइपलाइन सेशन कराऊंगा तो मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा वहां पे आप लोगों के साथ, तो आप क्या करिए इन पे प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए इजी टू मॉडरेट, इससे क्या होगा फंडा क्लियर होगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट रहता है लेकिन कंसेप्ट वही रहता है जहां पे हम लोग बेसिक में अप्लाई किए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा, और खत्म करने से पहले एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल रहे, और इंक्वायरी करना है ऑनलाइन इंक्वायरी करना है हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.careerflight.com, ऑनलाइन नंबर भी शो हो रहा है, वहां पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, प्ले स्टोर में हमारा ऐप भी अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही होगा, नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।